हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम खस्ता मछली मार्केट जैसे बनाने चल रहे हैं। तो हमने ये देखिए, थाली में बड़ी कटोरी से एक कटोरी हमने मैदा ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन आधा छोटा चम्मच, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रहे हैं। आधा चम्मच से कम हम बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, कटोरी से आधी कटोरी हम खस्ता के लिए ऑयल ऐड कर रहे हैं, रिफाइन ऑयल। इसको अच्छी तरीके से हम मिला ले रहे हैं पहले। पानी हम बाद में डालेंगे, पहले इसको अच्छी तरीके से मिला ले रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैदा लगाएंगे। ये देखिए, मैदा हमारा लग गया है। अब इसको रख दे रहे हैं 10-15 मिनट के लिए, सेट हो जाए तो हम ढक के रख दे रहे हैं। ये 10-15 मिनट हो गया है लगभग, तो अब हम इसको खोल के देख ले रहे हैं। इसको हल्का सा इस तरीके से हम और रगड़ ले रहे हैं। अब हम इसकी लोई तैयार करेंगे। तो ये छोटी छोटी हम लोई बना के रख ले रहे हैं पहले। इसमें सूखा मैदा लगा के इसको हम बेलेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम रोटी जैसी बना के रख ले रहे हैं। ये देखिए, इसमें सूखा मैदा लगा के ऊपर से हम इसको भी रख दे रहे हैं। ये देखिए, अब इसको हम और बेल देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम और बड़ा कर दिए हैं इसको, एक रख के इसके ऊपर। ये हम रोटी जैसे एकदम पतला बेल लिए हैं। अब इसको चाकू से कट करेंगे। देखिए, पहले हम एक साइज का कट करेंगे, तिरछा। इस तरीके से हम कट कर लिए हैं। अब इधर से हम करेंगे। ये देखिए, छोटी छोटी मछली हमारी बन गई है। अब हम इसको छानेंगे। तो पहले हम प्लेट में उठा लेते हैं इस तरीके से। ये ऑयल हमारा गर्म है, तो इसमें हम डाल रहे हैं एक एक करके। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरीके से चला दे रहे हैं। ये मछली हमारी ब्राउन हो गई है, इसको हम प्लेट में निकाल ले रहे हैं। ये इसी तरीके से मैं और सब बना ले रहे हैं। ये हमारी मठरी जो है सभी बन के रेडी हो गई हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा हमारा तरीका कैसा लगा। अगर हमारा तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।